भाई, माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बूंदी का ये चौपड़ी में आया है ऐसे बच्चों को फ्री से पढ़ाने के लिए। ये तो सिक्स क्लास में पढ़ाई करता है, ऐसे बच्चा है। अभी फ्री से हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसे कुछ जो चाहता है वो बनाने के लिए। अभी हम ये झोपड़ी अभी बना रहे सब मिलकर इधर बिठाकर पढ़ाने के लिए। जो स्कूल में ये लोग जाएंगे वही स्कूल का सिलेबस हम पढ़ाएंगे। हमारा एम है ये बच्चों का उन्नति है, बच्चों को आगे लेके आना है, कुछ बनाना है। इधर भी ये बहुत बच्चा है, इधर लगभग 25 बच्चा है इधर पढ़ने के लिए एक कॉलोनी में। बहुत गरीबी लोग, बहुत गरीबी मतलब, लेकिन उधर भी इधर ऐसे टेंट में ये लोग रहता है, कोई मदद करने वाला नहीं। इसलिए हम सोचा था हम इंसान है, इंसानियत दिखाना है, हमारा बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा है हम दूसरों को मदद करो तब ईश्वर भी हमको मदद करता है। ये सोचकर हम गांव से इधर केरल से इधर आया है, अभी सबको हम पढ़ाएंगे। बच्चों को अच्छा से पढ़ाना है, जो भी समस्या है सब प्यार से बोला तो सुनेगा। इटावा समाज कल्याण समिति, इटावा समाज कल्याण समिति का फादरी साहब है, ये फादरी साहब जिनो फादर है, फिर वो एक फादरी साहब है फादर जोम सी है। इधर आप लोगों को सेवा के लिए फ्री से सेवा देने के लिए आया है। साथ हमारे मैं सबसे पहले आपको दिल से सबको धन्यवाद वेलकम स्वागत करना चाहता हूँ। हमारा वार्ड मेंबर है, सबसे पहले हमारा संदीप देवन जी को जोर से तालियां बजाकर। इसके बाद हमारा वार्ड मेंबर ममता जी को हम जोर से तालियां बजाकर। इसके बाद है हम हमारा मेरा भाई है, ये भी स्कूल चलाता है, अरे एक साथ हमारे साथ रहता है, सुखपाल जी सर को, ये ओपन स्कूल चलाता है, आप लोगों तारका स्कूल में एडमिशन दे देंगे। बादल, बादल मुकेश राज, मैं दिल से सभी को इधर फादर हमारा इटावा मिशन का है फादर जीरो फादर है। फिर हमारा इटावा मिशन पूरा इंडिया में गरीबी लोगों के बीच में मदद करता है, हर चीज़ में मदद करता है। ये छोटा छोटा घर बना के देता है। तो आपसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को डेली स्कूल में भेजें, स्कूल के बाद में जब ये यहाँ पर आपको पढ़ाने आएंगे तो इनका सहयोग करना है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता, आपके पैसे को चुरा के ले जाएगा, आपके घर बाड़ी पर कब्जा कर लेगा, पर शिक्षा अगर आप शिक्षित हो गए तो इसको कोई चुरा नहीं सकता, आप उसके जरिए जो भी काम है वो कर सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जो लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, जो पढ़ लिख लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, उसको किसी से भय नहीं रहता। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। हर माता पिता को ये सोचना चाहिए कि मैं अगर नहीं पढ़ पाया तो मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ लिख जाएं। सर ने एक ये मुहिम योजना छेड़ी है आपके बीच में शिक्षा की, ये अगर जो एक बार मिल गई ना आपको, जिंदगी भर कोई नहीं छीन सकता, ये खत्म नहीं होने वाली, ये लेनी ही पड़ेगी। जीने के लिए डेली पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जहाँ तक अपनी एज है ना पढ़ाई की, तो डेली पढ़ना पड़ेगा, जीवन बनता है। आप स्कूल में तो पढ़ते हो, सरकार ने पूर्ण शिक्षा और ऑर्डिनरी शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, सरकार ने पूर्ण शिक्षा और अन्य कई सारे फैक्टर्स चला रखे हैं जो कि आप लोगों की जानकारी के इससे बहुत दूर है।
आज हर जगह बेसिक एजुकेशन के लिए व्यवस्था ही नहीं है। उस बेसिक एजुकेशन की व्यवस्था सरकार ने रोटी कपड़ा तक दे रखी थी, जैसे कि आपने बताया स्कूल में निःशुल्क कपड़े ड्रेस और वो जो मिलता है, केवल मात्र आप लोगों के बच्चे उन्हीं को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा एक वो गहना है जो कंठ की विद्या और कंठ का पैसा कोई नहीं छीन सकता, और बुरे वक्त में कंठ की विद्या रंग का पैसा ही काम में आता है। तो वो कंठ की विद्या के लिए जो आपके सामने मिशन चलाया जा रहा है कि आप लोगों को ठीक के पैसे वाले का बच्चा तो क्या कहते हैं ट्यूशन करके पैसा देके पढ़ लेता है, लेकिन आप लोगों के लिए वो व्यवस्था एजुकेशन मिशन के माध्यम से जो चलाई गई है आप उसका लाभ लें। मैं हाँ अगर केरल से, हाँ अगर मैं एक अच्छी बात मैं देख रहा है, कई जगह जाएंगे हर गांव में एक स्कूल है, तो सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के अलग दर का काम के लिए जाते हैं। बहुत सारा आपको प्रॉब्लम है, हमारा हर प्रॉब्लम का जवाब क्या है, हमारा जीवन में जब शिक्षा मिल जाएंगे हमारा हर समस्या बिट जाएंगे। इसलिए हम केरल में हम देख रहे हैं, मैं इतना दो साल पागल है, मैं इतने सालों में केरल में गरीब लोगों में एक बच्चा अच्छा से शिक्षा उनको मिल जाएंगे, उनका जीवन में कुछ भविष्य के बारे में उनको विचार आएंगे, उनको अच्छा से पढ़कर उनको अच्छा काम मिल जाएंगे, काम के बाद उनके हर उनके परिवारों को चेंज मिलते हैं, ये बदलाव मिल जाएंगे। बदलाव क्या है, उनको शिक्षा के बाद उनको एक नौकरी मिलकर उनको घर में भी ये बदलाव आएंगे, ये बदलाव हमारे जीवन में भी चाहिए। आपकी बच्चे आपकी भविष्य, आप ऐसे सोचेंगे आपके बच्चों को हर दिन ट्यूशन में भेजना है, स्कूल में भेजना है। ममता जी ने बताया हम क्या है, अच्छी बात बताई है हमें क्या है, हमारा हर समिति को जवाब क्या है, शिक्षा। गोफन से मारा, गोफन से नहीं गोफन से, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, तीन नहीं चार नहीं, तीन नहीं चार नहीं, बोलो हाँ चार नहीं चार नहीं, तीन नहीं चार नहीं, हाँ तीन नहीं चार नहीं, पांच पत्थर, पांच पत्थर नल से उड़ाकर एक पत्थर से मारा,